ये कहानी है एक बहादुर के मंजरे की, जिसमें रहता था एक भिखारी। 20 साल में इतना बड़ा अमीर कैसे बना? आइए सच जानने के लिए वीडियो पूरी देखें और हमारे फेम के अनस चैनल को सब्सक्राइब। क्यारी थैंक यू। अबे यार फहीम भाई, बड़ी गर्मी हो रही है यार। अरे बहुत गर्मी है, ऐसी गर्मी होगा क्या यार? अरे फहीम भाई, इतनी भीड़ की लग रही है यार। तो बड़ी पब्लिक खड़ी है, क्या हो लड़ाई भाई हो गया यार? लगता बहुत ऐसी यार। अरे फहीम भाई, हाथ में बहुत खुजली हो रही है, मारने फिरे किसी पे यार? आओ अपनी कुछ बता दो, मारी फिरते हैं आज यार। भाई क्या हुआ, लड़ाई बड़ाई हो गई क्या? बताओ किसे मारना है यार? अरे कुछ नहीं यार। तो फिर क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे यार, बताओ यार। अरे वो आपको नहीं पता, करोड़पति आदमी आ रहे हैं यहाँ पे यार। फहीम भाई किसी को मारना है यार, मूड खराब कर दे यार। टपका ही देते यार, दिमाग खराब हो गया। फहीम भाई क्या करें बताओ यार? अब क्या करना भैया, आ रहे हैं ना, देख लो क्या करें। देख के जाएंगे यार, उसको यार हमें फायदा होगा। कब तक आ जाएंगे? आने वाले हैं बस यार, हमें भी लेट हो गई। इधर से ये है भाई, बड़े आदमी हट, मेरी बात में दांत मिलाता है। कुर्सी लगा, कुर्सी कुर्सी लगा, कुर्सी बैठो सर, बैठो 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 सर बैठो। अच्छा तुम हो करोड़पति है? हाँ। चल कोई आने, परेशान तुम हो भी? परेशानी हुई तो कुछ चल रहा है तुम? अरे पूछ रहे हैं यार, पूछ नहीं सकते? पूछ रहे हो हमसे तुम? अरे यार कुछ ज्यादा घमंड आ गया तुम्हें पैसे में? और क्या। अच्छा तुम एक बात बताओ यार, तुम इतने मालदार कैसे हुए, करोड़पति कैसे हुए यार तुम? यार मत पूछ रहे, हमने बहुत लंबी। अरे यार हम ही बन जाएंगे यार, हम भी गरीब गरीब बाल आदमी है यार, बता दो हमें भी यार। तो बताते हैं तुम्हें, ये बात है चंदा यार दो की, चलते हैं अभी फैक्स में। इस घर में देखो यार, क्या पता खाने के लिए मिली जाए। अरे भाई कोई है? भाई कोई है भाई, कुछ खाने के लिए दे दो। कुछ ना खाने के लिए, सुबह सुबह परेशान करने के लिए। साले कुत्ते, गरीब समझ रहा मुझे? इस पगेल की बद्दुआ लगी जो तूने ढकेल का मारा ना मुझे। हाँ जा जा, तू जैसे बहुत देखा है फकीर कहीं के, सुबह सुबह आ गए परेशान करने। इस पगेल की बद्दुआ लगेगी तुझे। अरे आंटी जी है क्या? अरे आंटी जी है क्या? भिखारी आए थे सुबह सुबह मांगने, भिखारी औकात में रहे क्या? माँ गाली ताई ताई दे रही है, इतना गुस्सा दिखा रही है। अरे जा भिखारी है, भिखारी कहीं का राजा नहीं। राजा राज करता, फकीर तुम्हारे दरवाजे पे आकर फरियाद करता। राजा टैक्स लेता, भिखारी भीख लेता। राजा इंसाफ करता, भिखारी बाजी खाना साफ करता। तू भीख देकर मेरा परेशान नहीं करती, मैं तेरे परेशान करता हूँ। अरे यार कोई खाने को नहीं दे दिया, आंटी जी ने भजा दिया, अब कहाँ खाऊं इस घर पे भरोसा, बस घर पे देखता हूँ मैं। हेलो भाई कोई है? अरे भाई कोई है? भाई अरे भाई कुछ खाने के लिए दे दो। भाई मैं उधर गया था, आंटी जी ने भगा दिया, एक भैया थे उन्होंने भजा दिया, तुम्हारे पर ही भरोसा, तुम खिला दो कुछ। भले आदमी इतना हट्टा कट्टा हो तो साथ भीख मांग रहा है, तो कहीं जा काम धंधा कर ले, 500 दहाड़ी मिल रही है भले आदमी। मैं क्यों करूँ, 500 रुपए कमाए, इतनी मेहनत करनी पड़े, तुम्हारे पास काम हो तो बताओ। हाँ तो जा रही हूँ मैं। सुन चल तेरे लिए काम है, करेगा बता? हाँ भाई करूँगा। करेगा भी ना? हाँ भाई करूँगा। धोखा तो देगा मेरे साथ में, तो कुछ बनना आती है करोड़पति ना? हाँ भाई बनना है भाई, फिर मेरे साथ काम तो क्या सोच लिया? सोच लिया। देख भाई बहुत समझदारी से काम करना है तुझे, ठीक है भाई? और करोड़पति बनना है तो भाई करोड़पति बना, मैं करोड़पति बनाकर छोड़ूंगा, ठीक है ना? ठीक है भाई, बस मेरे साथ बने रहना, ठीक है भाई? बहुत गरीब आदमी, कभी गद्दारी मत करना मेरे साथ ना भाई, कभी भी ना। ये तेरी ड्यूटी है, ये तो पूरे घर में झाड़ू मारनी है सुबह शाम, ठीक है ना? ठीक है भाई, मार झाड़ू। मालिक साहब लग गए झाड़ू। मार दी झाड़ू? हाँ मार दी झाड़ू। ले भाई अपनी आज की तनख्वाह, ले भाई 2000 रुपए, ठीक है? ठीक है। और क्या करोड़पति बनना है? हाँ। तो 20 साल तक इसी घर में झाड़ू मारनी है, ठीक है ना? ठीक है। और हाँ धोखा मत करना मेरे साथ में कभी, ठीक है? ठीक है। ऐसी झाड़ू मारनी है, चल अब जा अपने घर, ठीक है? कल आना।
रोज ऐसे काम करना ठीक है ना। दूसरा दिन मालिक साहब, मालिक साहब लग गए झाड़ू। अरे मार दी क्या? अरे लड़का तो बहुत मेहनती लग जा भाई। ले भाई आज की तनख्वाह 3,000 रुपए और ऐसी काम करना दिल से ठीक है ना? ठीक है। और कोई दिक्कत ना चाहिए ठीक है? ठीक है। कोई परेशानी तो बता देना ठीक है मुझे? ठीक है। तो सही है। 20 साल के बाद मेरी कहानी निकला।